वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो गया है 4:30। इतने सालों से ना मैं इतने बजे अपने किसी क्लाइंट के शूट करने के लिए ही उठाऊँ या फिर ट्रैवल करने के लिए गया हूँ, खुद के लिए कोई कंटेंट करने के लिए मुझे लास्ट याद भी नहीं है कि मैं कब उठा था इतनी जल्दी। वैसे मैं 4 बजे उठा था, अभी मेरी ये कॉफ़ी बन गई है, कॉफ़ी पीते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं। एक चार्ज मैं पहुंच गया हूं और मैं आया हूं आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। हमारा देश आजाद होकर 75 साल हो गए हैं और मेरी टीम के मेंबर मिल गए आपस से। और मैं ना शाम को कुर्ता लेने गया तो मेरी टीम का एक मेंबर मिसिंग है, तो वरना मैंने सोचा था कि इसके लिए ग्रीन और उसके लिए ऑरेंज और मस्त तीनों इंडिया का झंडा बन के घूमते, लेकिन फिलहाल मैंने मेरे लिए कुर्ता लिया तो मैंने मेरे लिए व्हाइट। अच्छा लग रहा है, लेकिन चल फटाफट चेंज कर लेते हैं। इनका एक फ्रेंड भी आया, संकेत भी हमारे साथ। अगर मुझे पता होता संकेत आने वाला है तब तो मैं पक्का वो ऑरेंज और ग्रीन वाला करता है ना। बस तीनों झंडा बन के घूमते, चलो ये करते फटाफट है ना, लेट हो जाएगा। ये लड़का देखो क्या सुपर तैयार हो गया है, और ये बहुत गंदी फेक एंट्री थी। चलो अब चलते कर लेते हैं, लग रहा है लेकिन जब यहाँ पर परेड हो रही थी ना, मेरे को ऐसे गूज बम आ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने लाइव फर्स्ट टाइम देखा है। और कितना भी आप अपने टीवी पे देख लो, कंप्यूटर पे देख लो, लेकिन जो फील आपको लाइव में आता है ना, वो कभी नहीं आ सकता। मैं ना दिल्ली से हूँ और दिल्ली में 26 जनवरी को बहुत बड़ी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी जो परेड है वो दिल्ली में ही होती है। और मैंने 3-4 बार जब मैं छोटा था तो मैंने ट्राई किया था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज होती रहती है और वो चांस मुझे कभी मिल नहीं पाया। और जो 15 अगस्त के लिए जो मेरा मेन वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उसके लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो मुझे ऐसी ऐसे फैक्ट पता चले कि देश के लिए ना और प्रेम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया और एक जोश आया है कि कुछ तो करना है। अब मैं देश की आज़ादी के टाइम पे तो था नहीं, तो मैं जितना कॉन्ट्रीब्यूट अपने देश के लिए कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए आया हूँ। और 75 इयर्स हमारी आज़ादी को हुए हैं, बहुत बड़ा दिन है आज के लिए हमारे लिए। और रिसर्च में ना मेरे को 2-3 बहुत ऐसे वाले फैक्ट पता चले जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था कि क्यों 14 नाइट को अनाउंस किया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर, मेन वीडियो के अंदर सारी डिटेल है। ये लोग मुझे यहाँ मिले और मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कैमरा कैसे ऑन होगा, और जब थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया तो पता चला कि इसके अंदर बैटरी नहीं डाली है। ठीक है, ये सारे के सारे 10th में है, बट मुझे लगता नहीं ये पास कर पाएंगे ये लोग। इसको ये अंकल बोला मेरे को, अंकल बोलेगा तू मेरे को दादा बोल रहा है। दादा मैं अन्ना है, मैं तो काट के खा जाएगा। ठीक है, बहुत स्वीट बच्चे, बट इनको कैमरा अभी यूज करना नहीं आता है, बच्चे लोग सीख रहे, कोई बात नहीं। आई होप कि एक फोटो तो तू अच्छी खींचे आज पूरे दिन में। तो यहाँ का हमारा काम खत्म हो गया है, और ना जितने लोग सुबह नहीं थे ना उससे बहुत ज्यादा लोग अभी आ चुके हैं, और एक से एक रैली निकल रही है यहाँ पे। मतलब अभी ऐसा दिख रहा है कि लोग जो है ना वो फुल पावर में अब आए हैं जाके। मैं अभी CST स्टेशन पे हूँ, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। सर जी क्या नाम है आपका? राम श्री मिश्रा जी हमको गेटवे ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। एंड आज ना मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मुझसे मराठी में बात कर रहे हैं। मैं सबको यही चीज बोल रहा हूँ, मला मराठी इतना है पण मी सीख तो है मराठी, क्यों मैं मराठी आजकल सीख रहा हूँ, और ये है मेरा मराठी टीचर। हेलो नमस्कार। ऐसे मराठी सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है और लैंग्वेज जितनी ज्यादा आपको आए उतना अच्छा है। तो मैं सीखता हूं मराठी। असली मेला तो गेटवे ऑफ इंडिया में लगा हुआ है, जिस तरीके की पब्लिक और क्राउड दिख रहा है ना यहाँ पर, एक्चुअली वो पूरा इंडिया ऐसा लग रहा है कि यहीं आ गया है।
फुल पावर और जोश में जो लोग नारे लगा रहे हैं ना, वंदे मातरम, मतलब अलग ही एक फील आ रहा है। और जब जब लोग चिल्ला रहे हैं ना वंदे मातरम, गूज बम आ रहे हैं अपने। ये होती है पावर, ये है आजादी। वंदे मातरम। आने के बाद में हमें ये रियलाइज हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती करी यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है और मैं जो अपना मेन जो मेरा वीडियो मैं बनाने के लिए इधर आया हूँ वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। और इधर जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करो तो यहाँ पर लोग इतना चिल्ला रहे हैं कि वीडियो नहीं बना सकते हम लोग। तो बहुत देर के बाद में मेरा कुछ एक 15 सेकंड्स की लाइन है बस, उसको करने के लिए हमको कुछ आधा घंटा लग गया। तो मतलब सोचो कि यहाँ पर कितनी मुश्किल हो रही है हमको। और अभी हो गई है बारिश, तो अभी इसलिए यहाँ पर बैठ के शेड में आराम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें और टाइम लगेगा। सब कुछ ठीक है, बस ना ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कम ऑन यार, एक दिन तो इसकी रिस्पेक्ट कर लो यार। तुम्हें पता नहीं है आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। वंदे मातरम। साढ़े तीन हो गया और फाइनली जाके जो मैं मेन वीडियो के लिए शूट कर रहा था वो मेरा कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। मेरे को एक अच्छी लोकेशन चाहिए थी क्योंकि मैं वीडियो का वो एंड करने वाला था और आज़ादी की स्पीच के बारे में मुझे बात करनी थी जो नेहरू जी ने दी थी। और उसके लिए बड़ा अच्छा स्पॉट मिला मेरे को, ये इंडियन फ्लैग। और फाइनली जाके मेरा जो मेन वीडियो है उसका पूरा काम मेरा ख़त्म हुआ। अभी मैं चर्च गेट स्टेशन के पास में ही हूँ, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। मस्त जो नींद आई है ना, मैं सो गया था सही में, देखो आंखें ऐसी हो रखी है। बट एक स्टेशन बाद ही हमारा स्टेशन है, इसलिए मैंने सिट को उठाया। ये देखो सिट भी नींद में अभी की। बस अभी ठीक है, अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में और स्टूडियो जाके बात करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात जो ऐसे दिल में आई है आपके साथ शेयर करना जरूर बनता है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ मेरे स्टूडियो में और आज ना मतलब एक अलग ही मोटिवेशन आया मेरे अंदर अपने देश को लेकर। क्योंकि जब आप लाइफ कोई चीज़ जाके एक्सपीरियंस करते हो ना, तब आपको उसका असली जो मज़ा है ना वो आपको पता चलता है। और आज़ादी वर्ड सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जिन लोगों को एक्चुअली में जब आज़ादी मिली थी ना, तो वो फीलिंग वही लोग समझ सकते हैं। जैसे लॉकडाउन में हमको 2 महीने के लिए हमारे ही घर के अंदर बोला था रहने के लिए और हमारे कम्फर्ट की सारी चीज़ें थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग उस कंफर्ट वाले जोन में भी हम नहीं रह पा रहे थे। सोचो जब देश आज़ाद हुआ होगा तो उस टाइम लोगों के अंदर क्या भावना होगी, इसको बोलते हैं आज़ादी। इसी के साथ इस व्लॉग का होता है पैकअप। वंदे मातरम।